हेलो दोस्तों, आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड ए 1/2 है। हमारा ए पार्ट क्या है, 1/2 दे रखा है ऑफ, और 1 बल क्या है 24 है, और सेकंड क्या है 46। इसका मतलब ऑफ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ऑफ का मतलब 1/2, तो हमारा क्या साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और पहले किसके साथ करना, 24 के साथ, पहले किसके साथ होगा 24 के साथ, और सेकेंड पार्ट में भी वही होगा, 1/2 तो ऐसे रहेगा लेकिन ऑफ की जगह क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा और 46 हो जाएगा। अब आप इससे काट सकते हैं, इसके नीचे आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं, आपका ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो 2 की टेबल अगर आप 24 तक, कितना आएगा 12, अब 12 बन जाए 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 आ गया। ठीक है, सेकेंड का भी हम यही देखेंगे, यहाँ लगा देंगे 1, अब इसका अगर इंटू करेंगे तो 46/2 आ रहा, इसको हम काटेंगे तो क्या, 2 2 जो 4 और 2 3 जो कितना आएगा, 23 आंसर हमारा, कितना आ जाएगा 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम बी पार्ट देख लेते, बी का हमारा क्या है, 2/3 ऑफ कितना है, फर्स्ट हमारा है 18 और दो सेकेंड पार्ट हमारा है 27। ठीक है, 27, तो हम पहले ए करते हैं, 2/3 × 18, तो क्या आ जाएगा, 18 2 जो कितना हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा, अगर आप इसको काटेंगे तो कितना 12, तो आंसर आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 3 जा कितना होता है 33 आप डिवाइड देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वही 2/3 हो जाएगा और कितना हमारा 27, इसके नीचे 1 रख लीजिए तो क्या आएगा 2। ठीक है, हमारा क्या होगा 2/3 × 27/1, अब इसको आप चाहे तो आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9 आ रहा, 3 9 जो 27 होता, और 9 2 जो कितना हो जाएगा 18, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ देखेंगे सी पार्ट लेते हैं, हम 3/4 है ऑफ है, फिर 1 में हमारा क्या है 16 है, और सेकंड में कितना है 36 है, तो भाई यहाँ तो 3/4 पहले वाला पार्ट इंटू हो जाएगा कितना 16, इसके साथ 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 3 की टेबल बोलो तो 4 की टेबल कहाँ तक बोलनी, यहाँ 16 तक, तो 4 4 जो कितना होता है 16, तो कितना है 3 4 जो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कट गया तो ये नीचे 1 रखा कोई फायदा नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा 12। ऐसे हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि 3/4 है सेकंड पार्ट इंटू कितना आ जाएगा 36, इसके नीचे 1 लगा लो, अब हमारा 3/4 × 36/1, 4 की टेबल 36 तक कितने टाइम जा रहा, 9 4 जो 13 कितना यार 9, तो ये और 9 का आप इनका इंटू कर दो, 9 3 जो कितना हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर कितना आया 36। ओके, तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो एक और पार्ट हमारा डी पार्ट हमारा बच रहा है, तो डी हमारा क्या है 4/5 है ऑफ, फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट हमारा है 20 और सेकेंड पार्ट हमारा है इसमें 35, तो पहले वही 4/5 ऑफ की जगह इंटू 20, इसके नीचे 1 लगाओ, 5 के टेबल कहाँ तक बोल 20 तक बोलो, 5 4 जो 20, अब इन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, सिंपल। और हमारा फिर वही सेकंड पार्ट हमारा 4/5 हो जाएगा 35, इसके टेबल लगा दो, 5 के टेबल 35 तक बोलो, 5 7 जो 35 हो रहा, अब क्या हो जाएगा 4 × 7 कितना हो जाएगा 4 × 27 कितना 28 हो जाता है, कितना हो जाता है 28, 4 8 जा 4 7 जा 28।